पैट्रियन और अन्य माध्यमों से नेशनल दस्तक का सहयोग करने वाले सभी दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपके सहयोग से ही बहुजन मीडिया को नई ऊंचाई मिल रही है और मनोबल और अधिक बढ़ रहा है। आशा है आगे भी आप हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहेंगे, धन्यवाद। कोरोना वायरस से लड़ने के लिए सोशल मीडिया पर कई तरह के देसी नुस्खे तो लोगों ने सुना और देखा भी होगा, लेकिन सरकार में जिम्मेदार पद पर बैठे किसी व्यक्ति द्वारा इन नुस्खों को लेकर बिना प्रमाण के बयान देना लोग कम ही सुनते होंगे। हम बात करने जा रहे हैं पश्चिम बंगाल में बीजेपी प्रमुख और मेदिनीपुर से सांसद दिलीप घोष की। दरअसल सोशल मीडिया पर उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो कह रहे हैं कि गौमूत्र पीने से आप वायरस से लड़ सकते हैं। वीडियो में उन्होंने घरेलू वस्तुओं की अहमियत बताई है और लोगों से कह रहे हैं कि गौमूत्र पीने से लोग स्वस्थ रहते हैं। हालांकि इसके पीछे उन्होंने कोई वैज्ञानिक तर्क नहीं दिया है। हम मानते हैं कि घरेलू वस्तुओं से छोटी मोटी शरीर को होने वाली परेशानी जैसे जुखाम खांसी शायद ठीक हो सकते हैं। हम शायद इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यह जरूरी नहीं है कि घरेलू नुस्खे हमेशा ही काम करें। वहीं गौमूत्र से वायरस से लड़ने की बात करना और भी हैरान करने वाला है। वीडियो में दिलीप घोष कह रहे हैं कि यदि मैं आपसे गाय की बात करूं तो बहुत से लोग इससे असहज हो जाएंगे। गधे कभी भी एक गाय की अहमियत नहीं समझेंगे। यह भारत है, भगवान श्री कृष्ण की धरती, यहाँ हम गाय की पूजा करते हैं। हमें स्वस्थ रहने के लिए गौमूत्र पीना चाहिए। जो शराब पीते हैं वो कैसे एक गाय की अहमियत को समझेंगे। बीजेपी सांसद को यह समझना चाहिए कि इतने जिम्मेदार पद पर होने के बाद उन्हें कोई भी इस तरह का बयान बिना तथ्य और वैज्ञानिक प्रमाण के नहीं देना चाहिए। मान लीजिए उनकी बातों में आकर किसी ने सही में गौमूत्र पी लिया और फिर उस व्यक्ति को कोई परेशानी होती है तो उसका जवाबदेह कौन होगा। पिछले साल की ही बात है जब बीजेपी कार्यकर्ता द्वारा एक गौमूत्र पार्टी का आयोजन किया गया था जिसमें एक शख्स गौमूत्र के सेवन से बीमार पड़ गया, जिसके बाद पार्टी के आयोजक को गिरफ्तार कर लिया गया। बीजेपी सांसद द्वारा इस तरह के गैर जिम्मेदाराना बयान के क्या परिणाम हो सकते हैं, उन्हें यह मालूम होना चाहिए। दूसरी बात, वह उन लोगों को गधा बता रहे हैं जो गौमूत्र नहीं पीते। इसका मतलब जो व्यक्ति सिर्फ वैज्ञानिक पद्धति और प्रमाण पर विश्वास करता है वह गधा है। इस मामले में भी उन्हें सावधानी से बयान देने की जरूरत है। नमस्कार, नेशनल दस्तक अपनी आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए अपनी ऑडियंस पर निर्भर है। बहुजन समाज से संबंधित मुद्दों को उठाने के कारण यूट्यूब की तरफ से नेशनल दस्तक की कई वीडियो पर एड्स नहीं दी जाती, जिसके कारण हमें आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आपका एक छोटा सा कदम बहुजन मीडिया को बचा सकता है। आपके सहयोग और सहायता के कारण ही हमने अभी तक यह मुकाम हासिल किया है। नेशनल दस्तक को आप पैट्रियन के जरिए सपोर्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही आप अन्य माध्यमों जैसे UPI, गूगल पे, डेबिट कार्ड, वॉलेट, फोन पे आदि से भी हमारी मदद कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। पैट्रियन पर आप हमें प्रतिमाह $2 यानी ₹140 प्रतिमाह से हमारे साथ जुड़ सकते हैं। दूसरे माध्यमों में राशि की कोई सीमा नहीं है। आपके सहयोग से ही बहुजन मीडिया को एक नई दिशा मिली है और इसे अभी एक नए मुकाम तक लेकर जाना बाकी है, जो आपके साथ के बिना संभव नहीं है। आपसे डायरेक्ट फंडिंग से हम आपके अधीन हो जाएंगे और एक स्वतंत्र मीडिया के तौर पर समाज की आवाज को बुलंद कर पाएंगे, धन्यवाद। नेशनल दस्तक को देखने वालों से अपील है कि वह नेशनल दस्तक के सपोर्टर फॉर्म को भरें ताकि हम सीधे आपसे जुड़ सके। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।